ये कहानी है एक डॉक्टर की जिनका नाम होता है डॉक्टर जॉन डूलिटल, जो कि जानवरों और इंसानों का इलाज करते हैं। और ये न केवल जानवरों का इलाज करते हैं बल्कि उनकी भाषाओं को समझते भी हैं। और इनकी ये काबिलियत इतनी फेमस होगी कि ये बात इंग्लैंड के महारानी तक जा पहुंची और इंग्लैंड के महारानी इससे इतने प्रभावित है कि खुश होकर इनके लिए एक पशु विहार बना दिया, जिनमें वो हर तरह के जानवरों का देखभाल और इलाज करते थे। ये इन सभी जानवरों से बहुत लगाव रखते थे, लेकिन इनका दिल तो सिर्फ लिली के लिए धड़कता था। लिली इनकी पहली और आखिरी प्यार। लिली एक जाबाज खोजकर्ता थी, ये दोनों मिलकर फंसे और असहाय जानवरों की मदद करते थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। लिली खोज करते समय समंदर के भयानक तूफानों के लपटों में फंस गई और समुद्र के गहराई में हमेशा के लिए खो गई। और इस हादसे के बाद डूलिटल का दिल इस कदर टूट गया कि वो जीने की चाह ही खो दिए और खुद को अपने पशु विहार में कैद कर लिए। और इस हादसे के बाद इनका जीवन वीरान जंगल की तरह हो गया था। लेकिन फिर एक दिन एक अनजान शख्स का उनकी जिंदगी में दाखिल हुआ और अब मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। एक दिन तीन बाप बेटे शिकार के लिए निकले हुए थे और उनमें से छोटे बच्चे को जानवरों से बहुत लगाव होता है और ये उन्हें मारना नहीं चाहता है। लेकिन इसके पिता इस बच्चे को शिकार करने के लिए दबाव डालते हैं क्योंकि इनका घर परिवार शिकार से ही चलता था। और जब इनके पिता शिकार के लिए दबाव डाल रहे होते हैं तब इसी नोकझोंक में गिलहरी को गोली लग जाती है और वो गिलहरी पेड़ से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये दृश्य देखकर इस छोटे से बच्चे का मन बहुत ही ज्यादा आहत होता है और ये इस गिलहरी को बचाना चाहता है। लेकिन इसके पिता चाहते थे कि वो इस गिलहरी को मार दे और जब इस गिलहरी को मारना चाहता था तो ये मार नहीं सका। और ये छोटा बच्चा इस गिलहरी को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है और तभी एक तोता बोलती है, तुम मेरे पीछे आओ। और ये लड़का इस गिलहरी को उठाकर उस तोते के पीछे चल देता है। उसके बाद ये लड़का तोता के पीछा करते करते डूलिटल के घर के पास आ जाता है और वो छोटा लड़का वहाँ पढ़ता है कि यहाँ सभी जानवरों का इलाज होता है। यह पढ़ते ही वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ये लड़का छोटे से हॉल से घर के अंदर चला जाता है और वहाँ की खूबसूरती देखकर ये कुछ समय के लिए उसी वादियों में खो जाता है। और उस छोटे बच्चे को ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में आ गया हो। लेकिन फिर कुछ दूर जाने के बाद वहाँ बनाए गए एक जाल में वो फंस जाता है। तभी वहाँ कुछ समय बाद एक लड़की आती है जिसका नाम होता है लेडी रोज। और ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी बल्कि ये महारानी की बेटी होती है। और ये लड़की भी डॉक्टर डूलिटल को ढूंढते हुए यहाँ आई थी क्योंकि इनकी माँ मतलब कि महारानी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और महारानी अपने अंतिम सांस ले रही होती है। डूलिटल के घर में इंसानों को देखकर सभी जानवर घबरा जाते हैं और यहाँ तक कि खुद डूलिटल घबरा जाते हैं क्योंकि लिली के जाने के बाद यहाँ कोई भी इंसान नहीं आया था। और फिर सब डर के मारे छुपने लगते हैं। डूलिटल और उनके साथी इन बच्चों को रोकने का प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी ये बच्चे अंदर घुस जाते हैं और उनके प्रयोगशाला को देखकर लेडी रोज उन्हीं में खो जाती है। फिर कुछ देर बाद लेडी रोज डूलिटल को बताती है कि उन्हें महारानी ने जल्द से जल्द बकिंगम पैलेस में बुलाया है और ये महारानी का पूरा हाल बताती है। लेकिन वो वहाँ जाने से साफ इनकार कर देते हैं और डूलिटल कहते हैं कि वो इंसानों के इलाज करना छोड़ चुके हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है इस लड़के की। ये लड़का इस गिलहरी का सारा हाल बताता है और कहता है कि इसका इलाज जल्द से जल्द कीजिए। और फिर डूलिटल अपने जानवर साथी के साथ इलाज की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। सभी जानवर अपना अपना कार्य बारीकी से कर रहे होते हैं और एट द एंड गिलहरी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और गिलहरी की जान बच जाती है। और ये दोनों बच्चे डूलिटल को जानवर से बात करते देख हैरान हो जाते हैं और अब डूलिटल पैलेस जाने से इनकार कर रहे होते हैं। और ये तोता जिसका नाम होता है पोली, ये डूलिटल को समझाती है और पैलेस जाने के लिए भी मना लेती है। और फिर इनके साथी पैलेस जाने के लिए इनको तैयार करते हैं। ये सभी चीजें देखकर ये दोनों बच्चे की आंखें फटी की फटी रह गई थी। और फिर मिस्टर डूलिटल अपने सवारी को लेकर महल को निकल पड़ते हैं और साथ ही साथ चोरी छिपे ये लड़का भी वहाँ पहुँच जाता है। महल में शानदार एंट्री के बाद ये मिलते हैं महारानी से जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और डूलिटल के सारी फौज को देखकर वहाँ के लोग तो देखते ही रह गए। वो तो यही सोच रहे थे कि ये डॉक्टर है या फिर सर्कस वाला। खैर ये सब तो बात की बात है। अब महल पहुंचकर सभी डूलिटल के साथी काम पर लग जाते हैं। ये डॉग जिसका नाम होता है जिप्सी महारानी को सूंघकर बीमारी का पता लगाने की कोशिश करता है और फिर बीमारी का पता चलते ही डूलिटल को बताता है कि शायद इन्हें जहर दिया गया हो। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए पास में रखे एक्वेरियम में डॉक्टर डूलिटल ऑक्टोपस से पूछते हैं और ये ऑक्टोपस डूलिटल को बताता है कि रानी चाय पीते ही बेहोश हो गई। उसके बाद डूलिटल सभी को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो एक किताब निकालते हैं और जिप्सी की मदद से उस जहर का पता लगाने की कोशिश करते हैं और जिप्सी और डूलिटल ने उस जहर का पता भी लगा लिया था। फिर डॉक्टर डूलिटल बताते हैं कि महारानी की ये हालत नाइट सेट फूल की वजह से हुई है और सूर्य ग्रहण से पहले इस जहर का तोड़ ना दिया गया तो इनका बचना मुश्किल है। और डॉक्टर डूलिटल को लगता है कि ये जहर महारानी को इनके सेनापति डॉक्टर मोरफ्लाई ने दिया है। तो फिर इसका सबूत इकट्ठा करने के लिए ये अपने दोस्त को इस तस्वीर के पीछे छिपा देते हैं। फिर ये कहते हैं कि इनका इलाज एक ईडन ट्री के फल से होगा जिसे कोई देखा नहीं है और किस टापू में वो भी पता नहीं है, लेकिन इन्हें ये पता था कि इस टापू का नक्शा कहाँ मिलेगा। फिर डूलिटल उस टापू में जाने के लिए आदेश लेते हैं और उस टापू तक जाने के लिए उन्हें एक बोट भी दिया जाता है। फिर वो अगले दिन ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। और इनके इस सफर में ये बच्चा भी जाना चाहता था मगर डूलिटल इसे मना कर देते हैं। लेकिन ये बच्चा भी कहाँ मानने वाला था, ये भी उसके पीछे निकल पड़ता है और बड़ी मुश्किल से जहाज में चला जाता है। अब डूलिटल अपने साथियों के साथ आराम से मस्ती करते हुए जा रहे थे तभी वो लड़का पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब वे बताते हैं कि हम एक टापू में जा रहे हैं जहाँ उनकी पत्नी लिली के पिता
रसूली रहते हैं और वो मोंतोवर्नी नामक एक टापू में रहते हैं और वो ये भी बताते हैं कि एडन ट्री वाले टापू की नक्शा उन्हीं के पास है। तभी वो लड़का कहता है कि वहां से तो नक्शा निकालना बहुत आसान होगा क्योंकि रिश्तों में तो वो डूलिटिल के ससुर लगेंगे और उनसे वो आसानी से नक्शा मांग लेंगे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान था ना उतना इसे पाने में मुश्किल भी था। वे इस सफर में आराम से मस्ती करते हुए जा रहे थे लेकिन तभी इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि इनकी सारी सफर आराम से मुसीबत में बदल गई क्योंकि डॉक्टर मोरफ्लाय इनके जहाज पर हमला कर देते हैं। फिर डूलिटिल ने अपने साथी और व्हेल की मदद से जहाज को तेज गति से भगाने लगते हैं और फिर ये दुश्मन जहाज से आगे निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ये मोंतोवर्नी पहुंच जाते हैं लेकिन इनकी समस्या भी खत्म नहीं हुई क्योंकि रसूली जो इस टापू के शासक भी हैं और इनके पत्नी के पिता भी वो कभी भी इन्हें नक्शा नहीं देंगे क्योंकि डॉक्टर डूलिटिल इनकी बेटी लिली को भगाकर शादी किए थे। अब इन्हें ये नक्शा वहां से चुराकर भागना होगा लेकिन चुराना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं रसूली और उनके खूंखार शेर कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या डूलिटिल इस नक्शा को चुरा पाते हैं या फिर उन शेरों के हाथों मारे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।